और जे कहिए सब बरात तुमने करी लेकिन जा बरात में तो हम ही जाएंगे और हम ही रसगुल्ला खाएंगे जा बरात के। तो बनी की ठीक है। और गंजा बोलो हम तो तैयार हैं अपनी तरफ से। सो अंदा घर पहुंचो घरवालों से बोलो ए घर वालों जितनी बरात गई गांव में से सब तुमने करी लेकिन जा बरात में तो हम ही जाएंगे। घरवालों ने बहुत रोको तुम अन्ने धुंधे आदमी को गिर पड़े खम खम कुचल जाए नाली में गिर पड़े तुम्हें कोट है तासे तुम मत ही जाओ लेकिन वो नहीं मानो बिल्कुल। जब ना मानो तो घर बनने की ठीक है तुम्हें जैसे जाना तैसे करो जाएगी हमें कोई मतलब नहीं। बाने कपड़ा मांगे और कपड़ा पहन के तैयार होएगा घर ही बैठे हो तोले गंजा तैयार होएगी यहाँ सो अंधा की बाएं पकड़ी लेके चल दो और गाड़ी में जाएगी बैठ गए दोनों बड़े खुश और धीरे धीरे बराज चल रही बरात चल रही। और बरात जब जन्माष्टमी में पहुंची लड़की वाले के यहाँ तो नाश्ता पानी कराओ और दरवाजो हो तो क्या हो तो है दरवाजो तो खैर वैसे हो तो है घर में लेकिन और ना हो जाता है। तो सब काम भए बाकी बाद दावत को नंबर आओ तो लड़की वाले ने व्यवस्था की दावत की तो आंगन में दावत को बैठाई सब बरातियां बैठाए लेकिन सबरे बरातियां नहीं बैठ पाए कच व्यवस्था कम रहे बैठने की सो बन गई ऐसा करो कच दावत घर की छत पे बैठाए दे ऊपर दावत खाली है जी बरातियां एक ही बार में छुट्टी हुई और जो गंजा ने सुनी कि व्यवस्था छत पे और हो रही बढ़िया बाने के यो हो क्यों परेशान बैठा तो सही अब हुआ क्या है जैसे ही छत पे पहुंचे दोनों अंधा की कलाई पकड़ के ले गए अंधा की कलाई पकड़ के ले गए अब बैठ गए दोनों टाट पड़े रहे टाट टाट जब पड़े रहे तो जालंग बैठ गए अंधा जालंग बैठ गए गंजा। अब जैसे ही भैया पत्तल परसी पहले बड़े हिसाब से दावत खिलाई जाती थी बड़े प्रेम के साथ खिलाई जाती थी दावत लोग बार बार पूछा करते थे भैया क्या खाओगे कुछ और परसे लेकिन आज की दावत बताओ कोई पूछ रहा है डोंगा सिस्टम चलता है क्या वो तो कुत्ता सिस्टम है बिल्कुल खा जाओ झूठे हैं बिल्कुल हैं और भाई में हाथ फिर डाल दे जाएगा सब खाए रहे भाई में से है कुत्ता का सिस्टम ना है कोई मतलब ही नहीं खाना पीना का तो बिल्कुल बेकार व्यवहार हो चुका है अब तो बिल्कुल बिल्कुल बेकार। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी दावत खिलाओ अतिथि जनों को रिश्तेदारों को तो बिठा करके बड़े प्रेम के साथ खिलाओ लोग पहले बड़े आदर से सम्मान के साथ खाना खिलाते थे आदर सम्मान चला गया बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर से चला गया आदर सम्मान अब नहीं है कुछ भी। बोलिए सांचे दरबार की मेरे भैया जैसे पत्तल परसी तब तक भौका के आंधी आई गई और जैसी आंधी आई से सबरी डबुआ पत्तले को नटा में घट्टे हो गए अपन ये पैसे सब उठाए लाए सब उठाए लाए। अब अंधा बेचारो टक्कर मारे दीवार में सोचे कि हमारी पत्तल कोई दे दो भैया हमारी पत्तल बता दो गंजा को दया आई क्योंकि हमारो मित्र है सो बुलाए के लाओ कलाई पकड़ के बिठाए दो और पत्तल रख रही थोड़ी देर हो पाई तोले फिर लपूर आएगा उसे फिर उड़ गए सब अब सब अपनी पाई उठाए लाए और अब गंजा बेचारो सोच रहे हैं को देखो मेरे भैया बड़ो परेशान है सो दया फिर आई उठ के गाओ अंधा को पकड़ के लाओ और जो है बिठाए दो पत्थर रख दे और पाई पत्तल पे एक छोटो सो ईंट का टुकड़ा रख दो अब जब पत्तल उड़ेगी नहीं थोड़ी बहुत हवा आ जाए तो पत्तल उड़ेगा लेकिन अंधा ने सोची कि हमें जो लग रही कि कुछ पस गो सुबह ने पत्तल पे टटोए के देखी सो ईंट का टुकड़ा हाथ में आएगा उसे पकड़ लो बाने पहले तो हाथ से फोरो हाथ से फोतर होने की मिठाई कैसी है हमें जो लग रही कि जामे खोया कम डालो
और फिर बाकी दिमाग में एक बात जो आई कि या तो हलवाई को जानकारी नहीं बनाई देगी मिठाई कैसे बनती है और या फिर लड़की वाले का व्यवस्था ना खोया भी। तो गुस्सा में बोलो जे बताओ जब तुम्हें जे मिठाई खिलाई देगी गुंजाइश ना आती तो कदुआ पूरी की दावत दे देते का जरूरी होती ऐसी मिठाई बनवाई देगी। बड़ी कोशिश करी मुंह से फोरी तो उन्हें फूटी से गुस्सा आएगी इस गुस्सा में माने कहा करो अरे बहुत तो देर है यार हो ही गई रे तब गुस्सा आएगा उभारो अरे गुस्सा में माने ईट को टुकड़ा धर के भैया मारो गुस्सा में माने ईट को टुकड़ा फेंको महाराज महाराज बरात बैठी पांती लगाए अंधन मारी ईंट लगी गंजा की चांद में जाए जो माने ईंट धर के फेंकी सब गंजा की घुपड़िया में लगी अब गंजा की फूट गई चांद बरात में भप्पर मच गयो है अब गंजा की फूट गई चांद बरात में भप्पर मच गयो है जैसे ईंट को टुकड़ा मारो सीधो गंजा की घोपड़िया में बैठो गंजा चुची आएगा गंजा बोलो भैया मेरी तो फूट गई अंधा बोलो तेरी फूट गई तो तू पहीं खाए ले हमारी तो फूटी नहीं सो मन तो फेंक दे मजबूरी फेंकने पर ही फूटी ना है कोशिश तो बहुत करी अब भाई जना मालूम ने फूट गया बाकी तो घोपड़िया फूट गई बाकी समझ के मिठाई फूट